कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसका निर्णय डीपीसीएम तेजस्वी यादव लेंगे। उन्होंने कहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है वे भी इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी कोई फैसला करके नीतीश कुमार ने जम्मू में समाधान यात्रा के दौरान ये बातें कही। सर यही है कि जिलों में जाकर के हम स्थिति को देखें, काम अच्छा हो रहा है, क्या काम की और जरूरत है, तो इन सब चीजों के बारे में पता चलता है और लोगों की बात को भी सुनते हैं। वो भी स्थानीय स्तर पर या किसी भी स्तर से उनकी कोई समस्या भी जानते हैं, यहाँ पर विस्तृत रूप से समीक्षा भी करते हैं। तो सब सारी बात को सारी बातों को जानने के बाद तय किया जाता है कि आगे क्या करना है कितनी तेजी से। कांग्रेस दो सीटें मांग रही है, क्या कैबिनेट का विस्तार हो रहा है क्या सर? कैबिनेट का विस्तार नहीं, आप डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए ना, ये बात हो गई है ना। जो जब सब एक नए तरह का अलायंस होकर के हो गया है तो किस साइड का कितना होगा वो तय, और वो लोग बात कर लेंगे। हम तो वेट ही कर रहे हैं कि जो भी करेंगे तय वही होगा। लालू जी आ जा रहे हैं, लालू जी भी आ रहे हैं वापस, वो आ ही रहे हैं, वो तो दिल्ली में आ रहे हैं, वो तो दिल्ली आ रहे हैं। अभी जब पटना आएंगे तो पटना आएंगे, लेकिन अभी दिल्ली आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेबसी और लाचारी को देख तैयार रही है, ऐसे पद से नीतीश को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कैबिनेट विस्तार को नीतीश के स्थान पर यह तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता है, अपराध तेजी से बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी की विवशता और लाचारी को देखते हुए दया आ रही है। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जिनकी हनक बिहार में चलती थी, हर विभाग की वो समीक्षा करते थे, नजर रखते थे, अपने कलम से मंत्री के निर्णय को बदल देते थे। आज पांच पांच विभाग का मलाई खा रहे हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी। मंत्रिमंडल के विस्तार होने पर उनके विभाग का मलाई का बंटवारा हो जाएगा, और उनको तो परिवारवाद के पोषक हैं तेजस्वी यादव जी। वो नहीं चाहते हैं कि मेरे विभाग के मलाई का बंटवारा हो और मेरे विभाग में किसी का हस्तक्षेप हो। मंत्रिमंडल का विस्तार की व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, और ये दुखद है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र होता है, और मुख्यमंत्री अगर जो लाचारी और बेबसी में जी रहे हो तो धिक्कार है इसी राजनीति को और ऐसी कुर्सी को। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।